ने स्टार्ट किया था तो आई थिंक बहुत ही छोटी सी इंडस्ट्री होती थी oh, the... बताऊ तो मेकअप yeah. के लिए दरवाजा खुलता so, so, तो okay. तो है तो उसमें एक स्पॉट बॉय अलग होगा हम क्योंट कर सके बैकनेटाइजिंग हम टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है बट क्रिएटिव वेरी वेरी वीक पाकिस्तान में अभी भी एडवर्टाइजिंग चार प्रॉब्लम पे चलती है व्हिच आई थिंक इज कंप्लीटली रॉन्ग व्हाई डू यू थिंक दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग वी आर बियॉन्ड दैट यार ड्रामा डायरेक्टर्स चीजों को हम रिकॉग्निशन दे देते दे, हैं दे, hmm. मिल रही है आर्ट फिल्म्स नहीं मिलती है. अब नोबडी गेट्स नो मैं पिट गया हूं कह-कह के कि आप अवार्ड तो दे रहे हो उसका डायरेक्टर कौन है आसिम आल्सो वेंट टुवर्ड्स फिल्म आप बहुत देर से फिल्म नहीं मैं तो बहुत देर में गया अब भाग कर आ गया डे 1 से फ्रॉम स्कूल भी जा रहा था फर्स्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि आई एम नॉट मेंट फॉर बिग फिल्म्स आई लव कमर्शियल्स जो लोग का ख्याल है कि आई कम इन फ्रॉम मनी एंड एवरीथिंग इज माय डैड नो इट्स ऑल Aticordo just signed up today so she's okay. coming in for a class so we just going to open it up for everyone आप रजिस्टर कर लें आ जाएं ये फ्री क्लासेस हैं हां दीस आर फ्री क्लासेस टिकटॉक इज फ्री एटिकोर्डो इज फ्री आहाद आ रहे हैं हे गाइस अस्सलाम वालेकुम दिस इज राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन आज जो मेरे मेहमान हैं थोड़ा मुश्किल है इंट्रोडक्शन कराना बिकॉज़ अगर आपके पास 30 इयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो यू आर द ऐस ऐड फिल्म मेकर ऑफ हो डॉन कार्लोस या रिदम ऑफ यूनिटी जैसे ऐड आपके नाम के साथ जुड़े हुए हों तो फिर आप सोचते हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन कराया जाए रिसेंटली ही हैज स्टार्टेड द फर्स्ट फिल्म स्कूल ऑफ कराची नोन एज कराची फिल्म स्कूल आई बीन अ फैन ऑफ हिज वर्क ही हैज द टैलेंट ऑफ कन्वर्टिंग आइडियाज़ इंटू दीज एस्थेटिक विजुअल्स ऑन आर स्क्रीन्स जिनसे हम सबको मोहब्बत हो जाती है मुझे लगता है आज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी ग्रोइंग अप में हमारी ज़िंदगी में हमें इम्पैक्ट करते हैं सो so, आज हमारे साथ असदुल हक हैं um, कौन नहीं जानता उनका नाम हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे मुझे आज बहुत इंटरेस्ट है बिकॉज आई वॉन्ट टू नो वाई कराची फिल्म स्कूल एंड इस जर्नी में एड्स की जो है उनका वट हैज़ बीन द चैलेंज पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है और वो तमाम लोग जो बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं आज हम उनको कुछ गाइडलाइंस या कुछ बता सकते हैं तो आज मिलते हैं हक से और उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो <laughs> इतना लंबा मैं मैं के साथ आई आई वाज लाइक द पॉइंट देन वुड नॉट हैव बीन एबल टू इंट्रोड्यूस यू यू परफेक्टली कोशिश ही रही थी hmm.

कि आप उसको उस तरीके से एक्सप्लेन uh, कर सके। और मैं बोलती वैसे भी बड़ा ज़्यादा ये मेरे साथ है। yeah, उसके लिए एडिटर अच्छा चाहिए मैं तो इस पूरी जर्नी में कब से साथ छोड़ता तो, yes. मैं मैं मैंने कहा यार

मुझे लगता है आजकल के जो नए बच्चे हैं ट्वेंटीज़ में जो होते हैं ना उनको बड़ी कंफ्यूजन होती है दे वांट टू डू थिंग्स बट मुझे लेकिन उनको ना सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी तो मुझे ये भी था कि हम बात करें कि एज अ डायरेक्टर एज अ फिल्म मेकर फॉर एड्स यू नो स्पेसिफिकली उसका फ्यूचर क्या पाकिस्तान में लेकिन उससे पहले आई वॉन्ट टू कवर योर जर्नी ऑल्सो के सो लेट स्टार्ट पढ़ा आपने बाहर से यू यूट अब्रॉड फॉर एजुकेशन आई सो माई बी बी ए तो पहला साल स्कूल के अंदर क्या कहते हैं सॉरी स्कूल में में पाकिस्तान से पढ़ा? ओके. उसके बाद इंटर के बाद आई वेंट जब उस जमाने में सारे बीबीए करने जाते थे या इंजीनियर बनने जाते थे सो आई वेंट और पहला साल जो था उसमें एडवर्टाइजिंग का कोर्स लिया आई कैंड तो मेरा जो एडवाइजर था उसने बोला तुम्हारा इतना इंटरेस्ट है एडवर्टाइजिंग के अंदर mm -hmm. तो आई डोंट टू परस्यू डिग्री इन दैट तो हमारे स्कूल में एक डिफरेंट प्रोग्राम था वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर था सो दे वुड टीच यू हाउ टू शूट एंड राइट कॉपी फॉर आर्ट सो आई वेंट ऑन टू दैट साइड और घर पे नहीं बताया आई थिंक लास्ट ईयर तक डैडी को नहीं पता था कि ही वॉज पेइंग फॉर माई एडवर्टाइजिंग डिग्री नॉट ए बी ए की डिग्री अच्छा। बहुत बहुत टेंशन थी उनको बताना huh. और जब बताया तो उनका वो था कि चलो फिर एम बी ए कर लेना है यस नो एम नहीं किया बट ग्रेट जर्नी आई थिंक जब हम लोग स्टार्ट हुए थे ये वो बूढ़ों वाली बात है कि जब हमारे ज़माने में काम होता था सो वी काइंड ऑफ केम इन एट द सेम टाइम मैं आसिम आई थिंक साकिब मुझसे कोई साल mm. जूनियर होगा um, या दो साल जूनियर होगा सो वी काइंड ऑफ केम एम इन टू दिस फील्ड एट द सेम टाइम मैं इंटरफ्लो में काम करता था साकिब यूज़ टू वर्क एट आल इंटर्स और uh,

Um, और साकिब से भी इसी तरह बात हुई साकिब से आई मेट ऑन एंड ऑफ cuz i had some friends in the same ad agency jab wo usme lentis mein kaam karta tha to sham ko samosa chai pe kai na kai mulakat ho jati thi to saqib ke sath purani dosti hai so jab aap padh rahe the bhai advertising to tab ehsaas ho gaya tha ki yahi mujhe karna hai you were clear so नहीं. i came back my bachelor's karke wapas aaya tha and what i had done was i already और वो स्कूल जो था वो फॉल की फॉल इनटेक लेता था ठीक है तो मैं ग्रेजुएट किया हूँ स्प्रिंग में एंड देन सो दे मी टू कम बैक इन फॉल सो आई हैड अ होल समर तो मैं इनका घर आ जाता हूँ घर आया और यहाँ पे डैडी ने बोला कि बेटा घर पे तो नहीं बैठोगे तो जॉब करो सो आई गॉट इंटर्नशिप एट इंटर और फिर वापस ही नहीं अच्छा तो वो इंटर्नशिप थी, वाज जस्ट ओपनिंग आपको नज़र आ रहा था कि बहुत कुछ हो रहा है uh, you know, एड्स नज़र आ रहे थे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी एंड वी ऑफ लाइक गॉट इनटू एट द राइट टाइम वो जो एक ओल्ड स्कूल था yeah. uh, जो पुराने डायरेक्टर दे वज मूविंग आउट एंड यू नो एजेंसीज के अंदर जगह बन रही थी मैं सीमा का असिस्टेंट था इंटरफ्लो में एंड यू नो सडनली आपको विंग्स भी मिल गए और आपको डिपार्टमेंट भी मिल गया और आपको कैमरा भी नज़र आ गया तो आपने कहा यार ये तो अच्छा है सो वी सर गेटिंग इन टू दैट एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई थिंक द इंडस्ट्री जस जस्ट इवॉल्व और सो फ्रॉम आर टाइम जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो आई थिंक बहुत ही छोटी सी इंडस्ट्री होती थी

आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और आपको वो मॉडल आएगी बाहर और उसके हाथ में इतना सा कॉम्पैक्ट होगा और कहा जाएगा कि आपने यही वाला जो कॉम्पैक्ट है यूज़ करना है और ये दो टिशू पेपर्स हैं सो बेनिवर्शी स्वेट्स नहीं। नहीं। डाप कर दें और काम कर लें पूरा दिन ऐसा गुजरता था और अब तो वैनिटीज़ हैं और अब तो इंटराज है दरवाज़ा खुलता है तो उसमें एक स्पॉट बॉय अलग होगा जिसने छतरी पकड़ी हुई होगी एक पानी और फ़ोन लेके खड़ा हुआ होगा Hmm. दो लोग सिर्फ uh, मैडम की तस्वीरें ले रहे होंगे टू पुट ऑन इंस्टाग्राम तो ये अच्छा ये है या uh, uh, so बुरा है इट्स इज इन्वॉल्वड इट्स मतलब सो यू आर नॉट सेइंग अच्छा बुरा बस यू जस्ट सेइंग चेंज आई थिंक इट इज इवॉल्वड मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग 30 इयर्स बैक बट दैट्स अ गुड साइन आल्सो द इंडस्ट्री हैज मूव्ड अप यस इट जस्ट शोस कि कितनी ज्यादा और जॉब्स क्रिएट hmm. हो गई हैं बहुत ही तो जब स्टार्ट किया था क्या जॉब कर रहे थे यू वेंट डायरेक्टली इनटू कॉन्सेप्ट क्रिएशन एडवर्टाइजिंग में या क्या उस जमाने में यू सो क्रिएटिव डायरेक्टर नहीं हुँ. होता था उस समय आई थिंक हम लोग क्या थे हम लोग क्रिएटिव ग्रुप हेड्स थे ओके सो वी वुड राइट एंड वी वुड डायरेक्ट अच्छा कॉपी भी आप खुद लिखते hmm. थे कांसेप्ट नॉट कॉपी कांसेप्ट कांसेप्ट सो देन यू विल हैव एन इंग्लिश राइटर और यू विल हैव अ उर्दू कॉपीराइटर बट कांसेप्ट आपका होता था एंड देन यू वुड हैव टू एग्जीक्यूट इट आल्सो पहला क्लाइंट कौन था यार पहला वनेश पहले वाले तो याद नहीं याद है यू डो, यू वांट टू मेंशन वैसे दो तीन तो बहुत वो याद हैं एक मुझे याद है आ, सीमा के साथ मैं काम करता था सीमा का था तो कई जगहों पे सीमा होती थी कि मैं बेटी को स्कूल पिक कर जा रही हूँ दो शॉट तुम करवा दो सो so, मैंने नीडो भी किया हुआ है मैंने गोगो -गो पान मसाला भी शूट गोगो -गो पान मसाला yes, yes, yes. Okay. बहुत so कुछ किया और इंटरफ्लो पे ही रहे आप फिर नहीं आई वाज इन एट इंटरफ्लो फॉर अ ईयर एंड देन आई मूव टू स्पेक्ट्रम ओके स्पेक्ट्रम पे आई वाज देयर फॉर 2 इयर्स एंड देन फ्रॉम स्पेक्ट्रम आई स्टार्टेड एंबियंस एंड एंबियंस इज अबाउट 30 इयर्स ओल्ड दैट्स योर ओन कम दैट्स माय ओन सो किस पॉइंट पे आपने सोचा कि बिकॉज़ ये बड़ी जल्दी विद इन 3 इयर्स है ना आपने क्या हुआ ऐसा दैट यू तो फेल्ट कि मैं रेडी हूं इतना बड़ा मुझे ब्लेजॉन से जॉब आते थे वो उस्मा गिलानी की एजेंसी होती थी लाहौर की एंड आई वु एंड आई वु फ्लाई ऑन ऑन थर्सडे नाइट और फ्राइडेड बी बैक मंडे मॉर्निंग टू स्पेक्ट्रम सो उस जमाने में ये वाला काम करते थे उस जमाने में लीड्स um, होता था एक जीन्स वाला hmm. और उन्होंने किसी को याद है कि नहीं पर डॉन कार्लोस मैंने सारे शूट किए uh, उस टाइम जाके ख्याल आया कि यार जब इतना फ्रीडम मिल रहा है और वो हो रहा है तो यू you नो know, अपनी कंपनी खोलते हैं एंड देन वी स्टार्टेड पहला स्टेप क्या था कंपनी खोलने का uh, नाम रजिस्टर कराना <laughs> <laughs> अब बस पैसे मांगने गए थे या खुद अपने पैसे मेरा मतलब ये था पैसे पैसे अपने लगाए थे पैसे, पैसे अपने जमा कर रहे थे आप पहले जमा कर रहा था सो दिस दिस सो दिस माशाल्लाह से दिस होल आई वुड दैट यू हैव क्रिएटेड ये ये इतनी खूबसूरत आपने जो चीज क्रिएट की है आपकी अपनी पीपल पीपल थिंक थिंक काफ़ी लोगों का ख्याल है कि बाप का बहुत प्यार hmm. था जिसमें सब कुछ है ही डिड हेल्प मी बट उन्होंने मुझे अपने किसी दोस्त के थ्रू ऑफिस दलवाया था okay. और उन्होंने कहा था कि 6 महीने के पैसे मैं तुम्हारे रुकवा देता हूँ uh, वो तुम 6 महीने बाद दोगे ओके बट यू टू पे हिम ऑफ़िस hmm. अभी मिल जाएगा छः महीने बाद पेमेंट करोगे तुम रेंट की बाकी सब कुछ खुद करोगे सो ही गिव मी द फर्स्ट स्टेप नो डिनाइंग इट बट आई डोंट थिंक के यू नो जो लोग का ख्याल है कि आई कम इन फ्रॉम मनी एंड एवरी थिंग इज माई डैड्स नो इट्स ऑल तो शुरू में कितना रगड़ा लगता था बहुं, खुद ऑफिस सारा काम बहुं, बहुं, खुद करते थे लोग कितने थे यार uh, हमारे वी कुड नॉट अफोर्ड अ फैक्स मशीन उस जमाने में फैक्स होती थी

में बहुत देर बाद जाके कैमरा लिया था Then, was, है, उसी में? नहीं, तीन चार साल बाद okay. Cause, cause उस जमाने में वीड शूट अलॉट इन इंडिया ठीक है सो so, एक्सपोजर बहुत मिला है इंडिया गया फिर मैं लंडन गया शूट करने के लिए तो पता लगा दुनिया तो कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है और उस जमाने में इंडिया बूम कर रहा था सो आप इंडिया क्यों शूट करने जा रहे थे मैं थोड़े ओके okay. तो कॉलगेट वुड से लेट्स शूट इन इंडिया जिस तरह okay. फिर उसके बाद बैंकॉक जाने शुरू हुए फिर mm -hmm. आ, क्या कहते हैं टर्की जाना शुरू हुए इंडिया में ये होता था कि आप ओवरसीज़ फिल्म समझ के जाते थे यू वुड गेट द टैलेंट फ्रॉम देयर ठीक है यू वुड गेट अ सिनेमाटोग्राफर देयर यू वुड प्रॉब्ली गेट अ प्रोडक्शन कंपनी देयर तो जो काम यहाँ करते थे वो सब कुछ आपको वहाँ मिलता था mm -hmm. और थोड़े से पैसे ज्यादा होते थे बट द क्वालिटी वॉज रियली गुड सो वी स्टार्ट गोइंग टू इंडिया लॉट और जब जाके वहाँ जाके देखा तो पता लगा कि यार ये तो दुनिया ही कुछ और है मतलब mm -hmm. दो वे देवर्क देवर, mm -hmm. उस जमाने में तो वो मतलब दे फार ऑफ अस किस तरीके से यार द टीम्स द रिसोर्स नो दुनिया का बेस्ट कैमरा वहाँ था okay. अब तो है ही है मगर उस जमाने में आई एम टॉकिंग अर्ली टू थाउजेंड दे नो हर किस्म का लेंस था उनका पूना फिल्म इंस्टीट्यूट बहुत सैनोटोग्राफर्स बनाया जा रहा था डायरेक्टर्स बनाया जा रहा था सो देवर यू नो और राइट ऑन टॉप मतलब आप दुनिया में कहीं और अफोर्ड नहीं कर सकते थे बट आप इंडिया अफोड कर सकते थे तो यू कड ईजली गो टू इंडिया इंस्टीट्यूट सो वहाँ से जाके ख्याल आया कि यार ये तो स्टूडियोज ऐसे होने चाहिए यहाँ स्टूडियोज़ वही पुराने फिफ्टी सिक्सटीज़ के बने हुए कभी इवॉल्व नहीं हुए दैन यू सर इट रियलाइजिंग यू नो ए डी क्या काम करता है एडिटर्स कैसे काम कर रहे हैं कॉज यू वुड सेट आउ

खड़कती है और वो है कि बहुत कम लोग ये काम कर रहे हैं यू नो बिकॉज सब पैसा बना रहे हैं बट बाहर जा रहा है या यू you नो know, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं इन वी एफ इन जस्ट कंटिन्यूसली जस्ट पुटिंग इट बैक इन पुटिंग इट बैक इन पुटिंग इट बैक अगेन मेरा अपना ख्याल है कि ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं सो so, आप कह रहे हैं कि करें पैसा कमाएँ लेकिन ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जो हमारी इंडस्ट्री या मुल्क को भी फायदा करें uh, जैसे स्टूडियो उसकी जो फैसिलिटीज है या जो उसकी उसकी I mean, है। अब, अगर वो लाइटिंग तुम उसकी लाइटिंग तुम लिस्ट ही देख लो आई थिंक पाकिस्तान की बड़ी तरीन कंपनी से एक है इस वक्त well. okay. कैमरे आई मीन यू नो वी हैव मीनो चार एलेक्सा बट um, so, you know, so, uh, वो किसी और के शूट पर भी जा रहे होते हैं काम कर रहे होते हैं वहाँ शूट्स हो रही होती हैं कोई और शूट कर रहा होता है बट इट टुक टाइम Okay. Um, it's not an easy journey, but mm -hmm. time लगा। फिर journey चलता रहा you kept, mm. um, doing ad films. उस वक्त कहीं बीच में नहीं हो रहा था कि अब मैं कुछ different करूँ जैसे आसिम towards films। आप बहुत देर से मैं तो की बहुत that आपने है, 60 सेकंड्स इज व्हाट माय यार आई you know. uh, मतलब मैं डे वन से जब मैं फिल्म स्कूल भी जा रहा था uh, क्या कहते हैं ग्रैथ स्टडीज के लिए उस टाइम भी मैं कह रहा था कि आई एम नॉट आई एम नॉट मेंट फॉर बिग फिल्म आई लव कमर्शल यू नो जो मजा आता है वो ये कि अभी तो सब हम वर्किंग ऑन अ जॉब राइट नाउ हम प्री की स्टेज पे हैं इतना कुछ हो रहा है ठीक है एक ऐड में एक ऐड बनाने हुँ. में इतना कुछ हो रहा है इतना मतलब यू नो कॉले हैं लोकेशन हैं मसले हैं वो हैं यू विल गेट इन टू इट ठीक है विद इन आई थिंक थ्री वीक्स फोर वीक्स आप कंट्रोल ऑल डिलीट के बटन के लिए रेडी हो गया द मोमेंट इट गेट्स रिलीज आपने तीनों प्रेस करने बटन एंड डन सो एक चीज़ जो मुझे हाँ. आती है ड्रामा डायरेक्टर्स ड्रामा से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों को हम रिकग्निशन दे देते दे, हैं hmm. मिल रही है फिल्म से भी है लेकिन एड फिल्म नहीं मिलती अब नोबडी गेट्स टू नो नोबडी गेस्ट टू नो इस वक्त मैं वक कोई चार टॉप पाकिस्तान के एड्स भी को तो मुझे खुद शायद नहीं पता होगा कि वो किसने डायरेक्ट किया है उसकी कॉपी किसने की थी उसका स्टोरी बोर्ड कहां से आया था कुछ नहीं पता तो ये तो बॉर्डर नहीं करता था आपको मैं तुम्हें हमारे अवार्ड्स होते हैं सो कॉल्ड फेकर सो दो डिफरेंट ऊपर होते हैं एक पास वाले करते हैं व्हिच इज जो क्या कहते हैं एडवर्टाइजिंग वाले और एक आई थिंक पहले होते थे और अब शायद नहीं हो रहे पी डब्ल के होते थे पाकिस्तान एडवरटाइजिंग एसोसिएशन के मैं पिट गया हूँ कह कह के कि आप अवार्ड तो दे रहे हो उसका डायरेक्टर कौन है आट को अवार्ड मिल रहा है लेकिन डायरेक्टर का मैं अभी तक कोई मैंशन नहीं है ओके मैं कह कह के थक गया हूँ मतलब ई मेलें लिख लिख के कह भाई आप एक अवार्ड लेने अगर मैं आपको आज अवार्ड एक दे, दे देने के लिए बुलाता हूँ ठीक है और आप अवार्ड जीतती हैं ठीक है आपने ना कैमरे पे काम किया और आपको अवार्ड किस पे मिल रहा है टू द बेस्ट कैंपेन कॉपी वाले को मिल गया, शूट किसने की थी प्रोडक्शन हाउस कौन है नहीं पता एडिट पे कौन बैठा? कलर ग्रेडिंग सो नथिंग ऑडियो ऑडियो किसने किसने की? की? वो टीम पूरी खड़े होके एजेंसी वाली तालियां मचवाएगी एक उनकी सेल्फी खींचेगी एक वो ग्रुप फोटो होगी um, so okay. अगर तो अभी कह रही हो कि जो एड वाली है मतलब कौन से ऐप बनाए आपने तो आप कहते हैं आप टीवी देखते हैं नहीं जी मैं तो टीवी नहीं देखता तो फिर आपको क्या पता तो मतलब अब तो अगर मैं तुमसे अभी मैं पूछूं कि चार एड्स मुझे बता दो अब तो शायद यूट्यूब की वजह से यू कैन इजली टेल मी कि में हां मुझे बिलबोर्ड की वजह से भी आजकल हाँ। मैंने एक दो देखे क्या अच्छा क्या अच्छा नहीं अच्छा बुरा नहीं मैं बोल रही वैसे बताओ मुझे वैसे वैसे नहीं अच्छे बुरे की बात चलो क्या देखे क्या याद है अभी आई थिंक माउंटेन ड्यू का मैंने मुझे याद आ रहा है रमशा का फाहिद मुस्तफा एंड शावीर आई फाइम और याद है दोनों में आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली बिकॉज़

मतलब आप कोई पोर्टल नहीं है ठीक है अब शायद लीड ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया आयशा ने थोड़ा बहुत स्टार्ट किया किसी टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। आपके पास कुछ नहीं है so, फिर आपका यही होगा नहीं <laughs> आई थिंकोंटन दे दूं देखो एंड ऑफ द डे ना आई बिलीव इन अबाउट टीम वर्क ठीक है सो मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता ठीक है मेरे साथ पूरी एक टीम है और तुमने अगर शूट्स देखी हुई हुए तो तुम्हें पता yeah, है कि सौ डेढ़ सौ बंदा होता mm -hmm. है उस दिन शूट के ऊपर सो एवरी वन मैटर्स ठीक है अब बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम आपको उस पर टैगिंग मिल जाती है तो आपको नज़र आ जाता है कि यार लाइटिंग वाले कोई बीस mm -hmm. बच्चे थे ठीक है वैनिटी वाला कौन था ठीक है बट जो मेन है वही नहीं लोगों को अभी तक वही नहीं पता और mm -hmm. हमने रिकग्नाइज ही नहीं किया मतलब हमारे अवार्ड्स में या हमारी सो कॉल्ड कहीं पर रिकगनेशन में यू विल नेवर गेट टू सी इन आई थिंक आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट पूरी दुनिया में भाई मैं साउंड करता हूँ तो मैं बता सकूँ कि यार ये तीन एड्स मैंने किए गए बात है वो अपने उस पर कर लेगा प्लेटफॉर्म पर जाके बट नो बडी वे लास्ट कैम क्या साउंड किसने की थी डेक्टर विद मी सिनेटोग्राफर का नाम क्यों नहीं मिले क्यों नहीं उसको अवॉर्ड क्यों नहीं मिल सकता

एज अ प्रोजेक्ट जिसमें जो ब्रीफ थी वो ये थी कि हम लॉन्च कर रहे हैं मोबन गोल्ड मोवन गोल्ड आई थिंक नहीं था so yeah, Marlboro, 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 yes, yeah. so उस टाइम इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली दे वर लॉन्चिंग मालब्रो सो मालब्रो रेड पार्क सो उस पर बात स्टार्ट हुई थी और वहाँ कहीं से हम लोग स्टार्ट हुए थे वी वो टोल्ड के लुक इंग टू द फोर्ट्स वी सारे लुकिंग्स तो हम लोग चार प्रॉवेंस चार फोर्ट्स पर काम कर रहे थे hmm. और बाय द वे वो वाली चीज़ अभी तक नहीं ख़त्म हुई है yeah.

मैंने कहा बात करे ना मेरे से यार क्यों नहीं हो सकता यार मतलब में मुझे वो गेट क्यों दिखाने पेशावर के बाहर कुछ पड़ा हुआ मतलब आप अपनी चलो ना यार्थ आई नो इट ब्यूटिंग इट बट इसके आगे भी तो बेचने को है आई मीन वी हैव सो मेनी फोर्ट्स आई मीन पुरानी गवर्नमेंट जो उस पर काम कर रही थी uh, uh, जो uh, टेम्पल्स दिखा रही थी पुराने पूरे के पूरे नो वो पड़े हुए हैं मतलब मैं अभी uh, पिछले साल शूट करने गया था वहीं ऊपर uh, तो क्या कहते हैं कितास टेम्पल्स के पीछे आई सौ टेम्पल इन मिडल ऑफ नोवेयर जिसके अंदर से दरख्त तो उग रहे थे और वो ऐसा लग रहा था कि आप कैम्बोडिया में या वियतनाम में कहीं पर हो ठीक है आप उस टैंपल के पास नहीं जा सकते कौस वहाँ जो अंदर होगा ना दरख्तों के नीचे आप शायद ना ही जा पाओ बट छोटा सा चश्मा बह रहा था और उसमें से दरख्त निकल रहे थे और वो टेम्पल के अंदर से दीवार तोड़ के बाहर दरख्त निकल रहे थे आई मीन दिस वुड हैन आइकॉनिक पिक्चर फॉर पाकिस्तान तेलेंग कि हमारी हिस्ट्री कितनी पुरानी है हमने ओ नहीं नहीं किया ये forts, of, uh, forts. Yeah. So, हम पे वो चार फोर्ट्स जब हम लोग चार फोर्ट्स पर गुजरने लगे तो फिर ख्याल ये आया कि उस जमाने में प्रोडक्शन टू लाहौर फोर्ट अब लाहौर फोर्ट जब पहुंचे तो ख्याल ये आया कि डांस वाँस कैसे होगा क्या होगा किसी ने मुझे उस टाइम बताया कि आप पी टी वो चले जाएँ क्या कहते हैं लोक वर्सा उस जमाने में लोक वर्सा वॉज वेरी एक्टिव इन इस्लामाबाद सो आई अप इन इस्लाम टू फाइंड आउट किसी ने वो बोला कि जी आपको डांसेस चाहिए तो वो डांसेस लाहौर गए हुए हैं हॉर्स एंड कैटल शो होता है आई आई अप डॉ पे हॉर्स एंड कैटल शो के दाफी स्टेडियम में होता था उस जमाने में और उसमें मैं नईम साहब को मिला नईम साहब थे जो कर्ोग्राफर थे सो उनकी साइंस ये थी कि वो लाइनें बनाते थे और लाइनों के ऊपर डांसेस को चलाते थे सो आई कैन लाइक मैंने कहा सर यही चीज़ करनी है तो उन्होंने कहा बेटा ये शो खत्म हो जाए आप आ जाएँ Uh, तो वो पूरे पाकिस्तान से डांसर्स मंगाते थे एंड दे वुड डू द शो आर्मी यूज़ टू बैक इट अप एंड दैट्स अकॉर्डिंग टू नईम साहब एंड नईम साहब ने कहा कि मैं कोरियोग्राफ कर देता हूँ उन्होंने बोला कि आप लाहौर फोर्ट के प्लान लें उस जमाने में गूगल था थानी देन वेंट टू लाहौर म्यूजियम वी कॉट द प्लान सो ऑल दिस स्टोक

Wow. So, सो ढाई सौ तीन सौ लोग थे सिर्फ ना? सिर्फ yeah. उनकी लिस्ट में से उन्होंने कहा पेशावर से चालीस आ जाएंगे okay. कोयटा से आ जाएंगे चार वाली जो बात हो रही है सो वी गॉट दब के नईम साहब के तीन असिस्िस्टेंट थे उन्होंने मुझे असिस्टेंट दे दी उन्होंने कहा असल द वे वी डू इट ये चार प्रोविसेज हैं इनके चार प्रोविसेज के चार असिस्िस्टेंट्स हैं hmm. तो चार असिस्टेंट्स आपके पास आ गए अब उन्होंने बोला आप एक काम करो ये पेशावर ये आए हुए हैं एनडब्ल्यू एफ पी के लोग इन सबके पीछे से बाल कटेंगे वो जो नहीं पीछे से

देन द वे डिजाइन एक जगह से बंदा घुसता था उसको धोती मिलती थी उसके खुसे मिलते थे उसकी कमीज मिलती थी लाइन और बाहर वो बंदा बैठा था जो फेक बियड लगाता था किसी का काम था बाल काटना और शाम को जब ये शूट कर कर आते थे दे वुड वॉक द सेम लाइन इन दे वु रीड पॉजिट एवरी उस जमाने में हमारे पास बड़े ऑडियो नहीं थे वो म्यूजिक उस था लाहौर फोट है टोलडाज़ के हम ये पब्लिक के लिए बंद नहीं करेंगे तो हम आपको पीसीज में देंगे जगह सेक्शंस में देंगे सो वी है नाइट बिफोर के कलरा में दीवाने आम में करना है दीवाए खास में करना है शीश महल में करना है कौन सी जगह पर शूट करना है वॉट दे डू कि दे वुड क्लोज देट सेक्शन ऑफ फो यू फॉर देट मैनी आवर्स इसका एक और बड़ा मजार कैसे अभी मैं तो बताता हूँ और क्या कहते हैं उन्होंने मुझे बोला कि यह क्लोज होगा बिकॉज वी इन्हें ऑफ दी ऑडियो उन्होंने कहा ढोल वाले मंगवा लो तो चार ढोल वाले कोनों पे खड़े होते थे जो बड़े ढोल वाले थे फोर्ट में, वो चार किसी और लेवल पर आ गए जब वो बजना शुरू होता था आवाज इतनी होती थी यार ढोल जो बड़े ढोल हाँ। होते हैं अगर वो टेम्पो पे चार चलें बहुत होता है बहुत शोर होता है सो इट अक्रॉस द फोर्ट इसका एक बड़ा मजा वो है कट कर देना या लगा देना <laughs> हम लोगों के ना वहाँ रश बहुत शुरू हो ना पहले दिन ना जब ये ढोल बजते थे तो पब्लिक बहुत आ जाती थी तो मैंने अपने शाम को अपने जो मेरा प्रोडक्शन मैनेजर था उसको खालिद नाम था उसको उसको मैंने बोला कि यार ये ना पुलिस वालों का बंदोबस्त करना पड़ेगा बिकॉज ये ना लोग अंदर आ जाते हैं, हैं।, हैं। रोप क्लाइम करके अगले दिन मैंने सुबह देखा तो पुलिस वाले चार खड़े हुए हैं और यू नो सलूट सलूट छः दिन हम फोर्ट पे शूट करते रहे एंड पुलिस वाला पर यू नो राइट बेसाइड और मैंने कहा कि यार ये तो अल्टीमेट पुलिस वाले हैं हिलते नहीं हैं यू नो और बिल्कुल सही खड़े रहते हैं तो जब छठवा दिन ख़त्म होने लगा तो मैं हम हिसाब कर रहे थे तो मैंने उसको बोला मैंने कहा यार ये पुलिस वाले हैं इनको भी कुछ दे दो कहते हैं इनको तो मैं दिन की दिहाड़ी देता हूँ <laughs> तो मैंने कहा कहाँ से आए कहते हैं मैं तो फिल्म स्टूडियो गया वहाँ से चार लड़के पकड़े उनको यूनिफॉर्म पहनाया सो दे आर ऑन माई बैक एंड कॉल मैंने कहा स्टेशन जाऊँगा तो ये बंदे तो गायब हो जाएंगे सो देव आर बैक एंड कॉल सब यूनिफॉर्म पहनकर आते थे स्टूडियो जाते थे कपड़े वहाँ से पहनकर आते थे वार्डरोब <laughs> के एंड दे वुड बी आर पुलिसमैन ओ माय गॉड सो यस सो वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो ओके दिस वाज कितने दिन लगे आपको शूट करने Seven में पूरी 7 डेज कितना दैट वाज ऑसम ऑसम लाइक तो जब वो एडिट hmm. पे बैठे और जब पहली बार वो ऐड hmm. देखा बिकॉज़ वो ऐड

The, what I want to ask कि जब वो लोगों ने ad देखना शुरू किया और वो जब लोग बातें करना शुरू हो रहे थे तो when you were listening to that what were what were your feelings? कईयों का उस बारे में तो ये media था ही नहीं ना मतलब i wish Instagram लोग जो मिल रहे होते हैं ना तो T V पे तो सब ads देख रहे थे और उस बारे में तो सबने देखा कोई channel एक थी सबने yeah, देखा तो उसी वजह से कि कोई miss न और इट इट जस्ट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन और वो आई थिंक हमें जो पहला वीकेंड मिला था वो ईद के साथ का वीकेंड था आई थिंक ट्वेंटी थर्ड मार्च थी जिस हमने रिलीज़ किया था और उस टाइम ईद और ट्वेंटी थर्ड मार्च एक ही एक ही वीक में आई थी सो यू गॉट लॉन्ग हॉलीडेज और जब हम लोग वापस ईद के बाद आए हैं ऑफिस तो सब कह रहे थे कि ओ आई गॉड ये क्या हो गया बिकॉज ईद पर रिलीज़ हुआ है हुँ. चार दिन पाँच दिन आपने किसी से बात नहीं की कुछ नहीं नहीं पता कि में किया हुआ है हाँ सेल फोन थे नहीं सोशल मीडिया था नहीं आप वापस आए तो सबने बोला कि यार ये तो धूम मच गई है और वो बहुत है मैं उसकी उसकी वजह से पी हाउस तक गया हूँ okay. वी विल डू ब्रांडिंग ऑफ पाकिस्तान यू नो आई द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक ज़माने में पी एम हाउस बुलाए गए हैं कि जी आप हम पाकिस्तान के लिए कुछ करें बट कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टूगेदर आई मीन पाकिस्तान सो नीड्स इट

उस जमाने में दे लॉन्च चीता देन यू नो सर्विस वॉज एवरीवेयर सो एक बाटा था और एक सर्विस था service और सो आई वुड शूट सर्विस और इस वाले जब डॉन कॉल में पहली फिल्म कर रहा था तो आई वॉज टोल्ड बाई द क्लाइंट एंड द एजेंसी कि हमने एटीट्यूड बेचना है अपने जूते नहीं बेचने okay. और मुझे उस ज़माने में ये चीज़ नहीं पता थी तो मैं मैं बताऊँ ईद का मैं फर्स्ट टाइम सर्विस का ऐड कर रहा था एंड आई वॉज टॉकिंग टू आई थिंक उस टाइम जब क्लाइंट से मैं कोई बात कर रहा था तो मैंने उनको बोला मैंने कहा यार आप लोग ये बारह डिफरेंट पेयर्स क्यों दिखाते हैं एक ऐड hmm. में मैंने कहा ईद दिखाएं त्यौहार दिखाएं hmm. और यू you नो know, मेहंदी दिखाएं चूड़ियाँ दिखाएं चांद दिखा दें yeah. ये बारह पेयर ऑफ शूज़ क्यों दिखाने hmm. तो कहते हैं आपको मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि आपने अभी जो ये पिंक वाली हील्स दिखाई हैं hmm. ये शाहीवाल में कोई दुकान में एंटर करेगा और कहेगा वो जो एड में पिंक वाली हील्स हैं वो मेरी बेटी को चाहिए yeah. कह रहे ऐसे रजिस्ट्रेशन होती है एंड दैट्स वॉट यू वन कैच ऑन सो वी वॉन्ट दैट वेन आज स्टार्टिंग वर्क ऑन डॉन कार्लोज देट सेंड मी समेस और उनका ये हम ऐड करना चाह रहे हैं उसमें शू कहीं नज़र नहीं आ रहा था सो बी वो टोल्ड के हमें एटीट्यूड बेचना है शूज बिक जाएंगे और सो okay. yeah. yeah. okay. so, उसमें वो था बट डॉन कार्लोज आई थिंक वीडियड फोर और फाइव ईयर्स विद द सेम साउंड वही एक साउंड थी और वो uh, बाहर की साउंड थी जो एजेंसी ने दी थी मुझे

जिसमें वो एंड में लड़कियाँ क्लास लड़कियाँ डांस कर रही हैं जिस तक तो कैमरा एच एस पोलेंगर पुल्स आउट ऑफ पुल पाकिस्तान टू अ ग्लोब इन ऑल वो एड था जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम वो ब्रेक किया कि यार अगर सिंधी दिखाना है तो वो uh, सिंध में uh, क्या कहते हैं लेंसटाउन ब्रिज सखर में ब्रिज के नीचे बट आई डोंट थिंक ही वाज वॉज थी सो वी काइंड ऑफ प्लेड विद दाट के हमारे पास जगह हैं दे लुक डिफरेंट जिस तरह कोई हमने दिखाया था uh, क्या कहते हैं ऊँट दिखाए थे डेजर्ट के अंदर बट दैट देट सो इट वॉज नॉट योर टिपिकल वी वी दैट नथिया गली एज सो माउंटेन्सो कैंड ब्रोक दैट के चार प्रोविसेस से हट के पाकिस्तान है yeah. और जो मैं आज तक ट्राई कर रहा हूँ और मैं हर दफ़ा हर मीटिंग की स्टार्टिंग में बताता हूँ कि यार चार प्रोविसेज से आगे की बात करते हैं वहाँ yeah. पास बहुत कुछ दिखाने को है yeah. I mean, you've जब बाहर से पढ़ के आए होंगे तब आपका एक्सपोजर भी ज्यादा हो गया होगा और भी माइंडसेट चेंज हो गया होगा कितना मुश्किल था पाकिस्तान में आके एडजस्ट करना विद दोस ट्रेडिशनल थॉट्स एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट एक तो चीज है यू डोंट स्टॉप लर्निंग टेक केयर यू कीप इवॉल्विंग यू कीप रीचेकिंग वेयर यू आर व्हाट यू डूइंग चीजों के साथ बिकॉज़ मुझे लगता है कि द मोमेंट यू स्टॉप एंड यू से आई हैव लर्नड कहानी वहीं ब्रेक लग जाती है अभी मेरा uh, गुरु आया हुआ था के एफ पे पढ़ाने के लिए निक आया हुआ था यू नो रोज़ रात को मैं खाना उसके साथ खाता था mm -hmm. और रोज़ रात मुझे कोई नई कहानी वो सुनाता था ठीक है कि उसने यूं किया ये किया वाई आर वी डूइंग दिस वाई आर वी डूइंग दैट दैट कॉन्वर्सेशन नेवर यूज टू स्टॉप एंड आई थिंक ये चीज़ चलती रहनी चाहिए उसी में फिर आप लाइक आई वर्क विद अ वेरी यंग टीम अगर तो मेरी टीम में लोगी तो तुम्हें mm -hmm. नज़र आएगा कि यू नो आम कॉन्स्टेंट एंड दे मूव अवे सब थोड़े से बड़े हो जाते हैं वो mm -hmm. चले जाते हैं उसकी जगह नई टीम आ जाती है बट आई कीप वर्किंग विद दंगर टीम उनकी माइंड सेट डिफरेंट है यू गेट टू लर्न अलॉट एंड यू गेट टू टीच अल्सो एट द सेम टाइम देल एंड लर्न फ्रॉम वो क्या करें एंड दिस इज यू नो ये डिस्ट्रिक्ट नाइन्टीन पर भी मैंने देखा mm -hmm. है और ये अब मैं फिल्म स्कूल पर भी देख रहा हूँ इवन एट माई वर्क हाउ

Um, uh, we, we just got a new one and vocal with me the coffee. Peene ke liye. It's just... You know... Uh, so, you do things differently. Okay? And I think it's... It's it's, it's not to, got to do with your work, it's got to do how you're wired. So, everything is a si, little si different. But how you wired? Like when you were young, okay? You Interflow, then Spectrum, then you You were going to India. Matlab, ek, wo, ek, एक सर्कल है ना जिसमें आप बिजी हो गए थे सो मेनी थिंग्स हैपनिंग किस पॉइंट पे कोई चीज हिट करती है कुछ होता है क्या होता है दैट यू टेक अ ब्रेक और यू बिकम साइलेंट फॉर अ मोमेंट एंड यू डिसाइड के ठीक है यार अब तक मैं वो कर रहा था जो सब कर रहे हैं बट नाउ मुझे अपनी एक इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है जो लोग हमें सुन रहे हैं उनको हम I आपके प्रोसेस में किस पॉइंट पे हुआ I, है I, I नहीं नहीं वैसे नहीं आप प्लान करते रहे हो आप आप टाइम देख रहे होते हो ठीक है और आप चीज़ें डाल रहे होते हो लाइक केफ एस अगर तुम देखा जाए तो ये कोई दस दस साल पुरानी चीज़ है यह भी आपने सोचा सोच, सोच था। लिया था मैंने कि करना है बट कैसे करना है मुझे नहीं पता था बट आई वॉज जस्ट फाइंडिंग द राइट वे टू गो अबाउट डूइंग इट कि मैं कैसे करूँगा क्या करूँगा मतलब आई थिंक दो साल पहले कोई एक टाइम आया जब मैंने बोला कि बस लेट्स डू इट ठीक है अभी आई एम डुवेलपिंग समथिंग इट्स कर दूँ

ये तो ये तो आइडियाज़ हैं प्लान हैं विशेज हैं ये डिज़ायर्स हैं या एम्स हैं विच यूअर सेंगे अगर वो आप नहीं कर सकते उस टाइम पे तो उसको डिलीट मत कर दें उसको कोई रख दें दे। और फिर टाइम पे वो खुद ही उस निकल आएगा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी लेकिन वो थॉट प्रोसेस क्या होता है जिससे या वो आपकी दो तीन चीज़ें क्या होती हैं जिस पर आप चूज़ करते हैं कि मैं ये ये चीज़ें करूँगा एंड इन मेरा काम विल

Hmm. मैंने कहा मैं आउटडोर करना चाहता हूँ एंड आई वांट टू डू इट लाइक दिस कैन आई डू इट लाइक दिस होता क्या है uh, अगर तुम थॉट प्रोसेस बारे में जाओ ना आई कीप लॉट्स ऑफ नोट सो यू राइट आई ओके आईफोन के नोट्स की ऐप इज द अल्टीमेट ऐप देयर इज सो आई पुट थॉट्स व्हाट थॉट्स अगर तुम इसमें जाओगी तो इसमें hmm. एक पूरा फोल्डर है जिस सिर्फ फ्यूचर्स uh, लिखे हुए हैं okay. सो इफ आई सी समस्टाग्राम पे आए हैं फोल्डर्स ये मैं किसी और क्वेश्चन बता रहा था संग सीरियसली डू दैट सो मेरा वॉन्ट्स का फोल्डर अलग है द थिंग्स आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ ठीक है मेरा स्कर्दू प्रोजेक्ट का एक अलग फोल्डर है ट्रेवल का अलग फोल्डर है सो फोल्डर्स बना बना के रखें पाकिस्तान का एक अलग फोल्डर है सो अब आम शूटिंग अब विच आम गोन गो करॉस पाकिस्तान टू शूट वो फोल्डर तैयार पड़ा हुआ है जिसमें कोई आई थिंक 400 सौ इमेज होंगी सो आई जस्ट गो थ्रू एट मैंने नहीं देखा हुआ ये मैंने नहीं शूट किया हुआ यहाँ मैं लास्ट टाइम गया था बट वेदर ऐसा नहीं था तो मे बी आई डू दैट सो वो सब उसके अंदर पड़ा हुआ है सो वेन आई बैक ट्रैक अब मैं फिल्म mm. करने लगा हूँ जैसे द मोमेंट आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट आई ऑलरेडी नो कि मुझे इसमें से क्या क्या चीज चाहिए सो इफ आई टू टू पिन पॉइंट जो मैंने इट्स अटेंशन डिटेल्स थिंग्स ट्रैकिंग टू यू एंड यूर वो थॉट आ रही है आप उसको जमा करते जा रहे हैं वो थॉट टाइम से निकल आएगी एंड ऑल्सोट सिंपल चीज़ है एक लाइन तो जो मैं हर एक को कहता हूँ कि आप एक तरीके से तो सोचते हो ठीक hmm. है एक चीज़ आपको पसंद है वर्क टू वर्ड्स इट ठीक है आप उसके पीछे पड़ जाओ ठीक है आपका अपना डायरेक्शन खुद निकल आएगा ठीक है बट यू हैव टू फोकस यू कान बी एवरीवेयर ठीक है सो आई कान डू एवरी ठीक है सो so आप आपने थोड़ा सा फोकस पकड़ लिया फिर आपने कहा कि यार अब मेरे पास डायरेक्शन आ गई थोड़ी सी फिर आप ढूंढना शुरू करोगे उस डायरेक्शन में क्या क्या आपके पास है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो लाइक आल गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल आई वाज रीडिंग इन अ मैगजीन वाज फ्लाइंग समवेयर उसमें किसी एक ने बार्सलोना में एक छोटी सी चीज लिखी हुई थी उसने बोला कि किसी को एक पुरानी बिल्डिंग पसंद थी Uh, उसका तरीका उसको समझ में नहीं आया ही वेंट टू कपल ऑफ इन्वेस्टर्स दे टू दैट बिल्डिंग अप और उन्होंने दस अप किचन्स बना दिए ठीक okay. है सो so, दस पॉप अप किचन्स हैं वो करते क्या हैं कि वो डिफरेंट शेफ्स uh, को इनवाइट uh -huh. करते हैं उनको स्पेस देते हैं वो क्यूरेट करते हैं उनके साथ और उनको बोलते हैं जब आप जरा सा बड़े हो जाओ आप जगह छोड़ दो अगले uh -huh. को आने दो सो दे डू इन नोल बिल्डिंग अब वो मेरे पास एक पूरा आर्टिकल है सो देन आई गूगल डेट कौन लोग हैं क्या करते हैं अब वो मेरे नोट्स में एक हेडर के नीचे वो पूरा पड़ा हुआ है आई विल प्रॉबली नेवर यूज इट बट मैं लोगों के पास बैठता हूँ किसी से गप मार रहा हूँ किसी ने बोला कि आई डू दिस सो आई से आई ऑलरेडी हैव सम रिसर्च डन ऑन दिस ये पड़ा हुआ है वॉट इफ़ यू कैन डू सम लाइक दिस अब जिस तरह डिस्ट्रिक्ट नाइनटीन है मतलब इसको पाँच साल हो रहे हैं अभी और वो मेरे पास कोई दस साल बारह साल पुरानी कोई चीज़ थी कहीं पे पड़ी हुई थी कि आई थिंकिंग के होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए

उसमें दो बच्चे क्यों होंगे सो कि बिकॉज हम क्रिएटिव नहीं है तो दुनिया हमें हम देख भी नहीं रही है no. okay. क्या किया आपने? मतलब hmm. सीरियसली क्या बेचा अभी तक क्या दिखाया डन मतलब एक चीज टेक्निकली तो भी देयर जो जो बाहर अभी यूज हो रहा है वो हमारे yeah. पास भी है सो वी नो आपके पास नोहा है आपके पास वो है बट आई डोंकू है वुड यू सी वी आर क्रिएटिव लेकिन अपनी उस क्रिएटिव नर्व को सही तरीके से यूज ही नहीं कर रहे होता है आई थिंक क्रिएटिविटी के लिए यूनिक वेरी थ्राइविंग कम्युनिटी ठीक है यूनिकव स्पेस वीर नहीं है मतलब yeah. मुझे मैं अपने ज़माने में मुझे पता है मैं गोटे जाता था फिल्में देखने के लिए जर्मन शर्मा मैं अमेरिकन hmm. uh, जाता था सेंटर जाता था uh, वर्कशॉप्स होती थी वो होता था मैंने बहुत सारे uh, पपेट फेस्टिवल्स पे गया एस सी में ड्रामे देखे हुए hmm. हैं कहा वो सब कुछ बट अब ये सब कुछ डिजिटल फॉर दम्यूनिटी

सो यू सीमियन से क्या मैं भी असल बनना चाहता हूँ आधे जो काम करने आते हैं वो भी असल बनना चाहते हैं येस yes, आप बन सकते हैं मे बी आई डिट थर्टी इयर्स यू कैन डू दिस इन फिफ्टीन ईयर्स बट यू कान डू दिस इन ईयर बट समू समेट इट आईम नॉट सेन कैसे क्या बट समू ठीक है सो um, so, आप उस पूरी कहानी के अंदर अगर आप जाओ तो आप, आप बोलोगे कि यार हर चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिल सकती हैं टाइम लगता है एंड इट्स नॉट बिकॉज के टाइम वैसे लगता है इट्स द एक्सपीरियंस विच कम्स विद इट मतलब मैं आप तुमसे भी जो मैं mm -hmm. बात कर रहा हूँ या अभी मैं अगले कमर्शियल की जो बात कर रहा हूँ वो इट्स प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम माई थर्टी ईयर्स ऑफ बैगेज ऑफ वेवर आफ डन अब सिंपल सी एक बात है एक चर्च मैंने नथिया गली में सौ साल पहले देखा था ठीक mm -hmm. है अभी तक उसकी इमेज मेरे पास पड़ी हुई है एंड आई आ शूट इट द सेम वे द वे आई सॉ इट बारिश हो रही थी मैंने दरवाज़ा आधा खुला हुआ था mm -hmm. पीछे चर्च नज़र आ रहा था वी मैं दो दफा वो चर्च देखने जा चुका हूँ किसी और कमर्शियल के लिए एंड वी ऑलवेज अवे मतलब वो चीज नहीं काम कर रही थी उस चीज़ के लिए नहीं, काम कर रहा था काम, काम नहीं कर रहा yeah. था बट अभी तक माइंड में कहीं पड़ा हुआ है सो थर्टी इयर्स का एक एक्सपीरियंस है पड़ा हुआ है जिस दिन इस्तेमाल हो गया छक्का लग जाएगा ठीक है बट वो आप किसी को ये चीज नहीं बता सकते जिसने साल दो साल पहले काम किया होगा इट जस्ट टेक्स टाइम And I'm not denying it. Those guys are doing a bad job. They're nee doing be, it, course. but it's a, it's a different sensibility altogether. Coming to Karachi Film School, <laughs> idea. How did it Why Film School? वही आता है ना. You तो art films films. ये advertising में hmm. advertising में hmm. Copywriting, color. मतलब ये hmm. But uh, focusing specifically on all of these. Uh,

बहुत बहुत जगह है ठीक है स्टोरीज आई थिंक वी आर राइटिंग ग्रेट कॉन्टेंट और अभी जब हम पहले बात कर रहे थे इट जस्ट नीड्स टू बिकॉज वो ड्रामे से टी वी से yeah. निकलना पड़ेगा इट नीड्स टू गो इन टू स्मॉलर प्लेटफॉर्म्स वेर इट वेर इट कैन ब्रीद और उसको करने के लिए वो है बिकॉज देखो तुम तो जब स्कूल में यहाँ पे जाओगे तो चार साल की डिग्री मिलेगी ठीक है ठीक है और वो मीडिया साइंसिस की डिग्री होगी उसमें कोई स्कूल ज़्यादा स्पेशलाइज कर रहा होगा वरना उनके लिए एक छोटा सा टिक मार्क है कि जी हम फिल्म सिखा रहे हैं फिल्म के अंदर उनके कोर्सेज में और नीचे जाओगे तो देखना शुरू करोगे तो दे विल नॉट बी दैट टेक्निकली चैलेंज और इट्स बीग टॉट बाई पीपल हु आर नॉट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री ठीक है सो वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज बेसिकली आपको साल की एक डिग्री है ठीक है एक so साल का कोर्स है सो इट्स लाइक अ पॉलीटेक्निक ठीक है सो वी डिड रिसर्च वी रियलाइज के आप जब चार साल की डिग्री करते हो तो आप कोई बारह चौदह कोर्सेज करते हो जो आपका फोकस्ड होंगे डिग्री के लिए बाकी इस्लामियात होगी जोग्राफी होगा पाकिस्तान स्टडीज होगी और बाकी चीज़ें होंगी जो आप इलेक्टिव okay. कर रहे हो सो यू टेकन एवरी थिंग आउट एक साल की डिग्री है

एक साल का कोर्स है इट्स ओपन टू एवरीवन या ठीक है और स्टूडियो वन फोर सिक्स में आपने स्टूडियो वन फोर सिक्स का एक स्टूडियो hmm. जो सबसे पुराना वाला स्टूडियो था उसको hmm. तोड़ के वी हैव मेड अ पर्पस बिल्ट स्कूल um which is beautiful या इट्स वेरी फील आते कि न्यूयॉर्क या कहीं बॉस्टन के किसी कॉलेज में आप अगेन गोइंग बैक टू द सेम थिंग इट नीड्स टू बिल्ड कम्युनिटी तो मैं कई दफ़ा शाम को स्कूल से निकल रहा होता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि कोई ना कोई दीचे बैठा हुआ कुछ और कर रहा है टिकटॉक देख रहा है देख ले बट एज लॉन्ग एज दे स्टेइंग बैक इन डूइंग समथिंग ऑन देर गेट्स यू दैट फीलिंग के यार आपने एक छोटी सी कम्यूनिटी डेवलप करनी शुरू कर दिया सो वी हैव जस्ट लॉन्च मिनी थिएटर बेसमेंट के अंदर सो वीव अबाउट थर्टी फाइव सीट्स एंड सो यू कैन डू

अति कॉडो इज़ फ्री आहद आ रहे आहद इज़ बिजी विद इज नेटफ्लिक्स वाली थिंग आहद इज कमिंग इन सेप्टेम्बर तो वो तीन दिन की वर्कशॉप कर रहा है सो आई वॉन्ट डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन द साइड जबकि आपके पास बाकी जो रेगुलर क्लासेज हैं वो चलती रहे एंड वी जस्ट ओपन इट अप लाइक दस सेप्टेम्बर में आपके एडमिशन खुल yeah. रहे हैं सो एनी बडी जिसको इन सब चीज़ों से सुन के इंटरेस्ट हो तो सेप्टेम्बर से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन आई थिंक खुल गए खुल गए हैं एंड वी आर वेरी Yeah. Um, so go on Instagram. Uh, yeah. मुझे लगता You know your experience, mm -hmm. then Studio One Four Six की premises, location वहाँ पे क्योंकि एक studio तो आपने दिया एक school को लेकिन उसके साथ shoots वगैरह चल रही हैं तो hands-on अपने तो we've been doing this. So अभी uh, we, uh, we were shooting a fashion film uh, Saturday को. So what I did was uh, I called Zara जो so, मेरी Zara I, पहले भी mentioned हैं so Zara mm. आपकी program coordinator head है. No, program है the program है जी she runs the space. Yeah. yeah. Just I'm just I कहता हूँ I pay the bills she <laughs> runs the place. So शेर रानजेट सो फैकल्टी वगैरह सब कुछ वो देखती है स्टूडेंट्स mm -hmm. वो देखती है सो आई कॉल्ड हर अप एन आट कि हमारी फैशन फिल्म हो रही है सो आई नीड टू ब्राइट किट्स फ्राम दिनमाटोग्राफी साइड एंड टू ब्राइट किड्स फ्राम दी फिल्म मेकिंग साइड सो दो इंटर्न मेरे साथ थे और mm -hmm. दो इंटर्न हमार के साथ थे वो वो शूटिंग द फैशन फिल्म सो शाम तक वी कैम बोथ कि उसको कौन पसंद आया मुझे yeah. कौन पसंद आया so हमने कहा नेक्स्ट टाइम फ्री लॉन्च कर रहे होंगे सो वील गेट में सो नेक्स्ट फिल्म पे वील we'll गेट

तो मैंने कहा ये लोग आ जाएंगे सो टोल ज़्यादा कि बिजवा देना इन जस्ट गो पार्क इन वन साइड घंटा देख के वापस आ जाए बट यू नो जो एक्सपीरियंस है वो जब आप ये जगह देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम करते क्या हैं और कैसे करते हैं सो सो इंडस्ट्री से भी जैसे यू सेड अतीका ओडो हैवSignedIn and आहदिस आर देयर मोर पीपल आल्सो जिनसे आपकी कोलैबोरेशंस चल रही हैं तो हम इंडस्ट्री के लोगों को देखेंगे कि वो काची फिल्म स्कूल की फैकल्टी या उसका ज्यादा रेगुलर हिस्सा बन जाएंगे फ्यूचर में जिस टाइम राणा आ रहे हैं राणा कामरान है जो शूट uh, करता है क्या कहते हैं फीचर फिल्म्स ही इज कमिंग इन टू डू अ क्लास ज़ैन हलीम हु वर्क्स विद मी टेक्निकल फीलिंग सो ही इज कमिंग ही इज कमिंग टू डू अ क्लास सो आईडिया यही है कि आप लोगों को लाएँ जो प्रोफेशनल्स हैं उनको लाएँ बताने के लिए कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं प्लस यू हैव द टीचर्स जो नॉर्मली आपको पढ़ा रहे होते हैं वो आपको नाइन टू फाइव वाली चीज़ पढ़ा रहे एकेडमिक वो बता रहे हो एंड देन यू गेट दिस पीपल इन टू पंच एन लाइक अभी नेक आया हुआ था यू डीड टू वीक का क्या कहते हैं कोर्स एट के एफ एस इन समर प्रोग्राम इन फॉर सो नाइस का उसने एक तो क्लास वाला अलग उसने प्रोजेक्ट किया देन फॉर थ्री डेज वी जस्ट ओपन डेटा आप हमने कहा निकके hmm. साथ क्लास है आपने जिसने लेनी है ले लो इन इट वॉज अ फ्री क्लास स्पॉन्सर्ड बाई सोनी एंड सोनी से एंड द कैमरा और तीन दिन की उसने क्लास की hmm. और वी वी कॉट अ वेरी डिफरेंट क्या कहते हैं uh, क्या कहते हैं स्टूडेंट्स

Was interesting that you could share here. यार अभी दो फिल्मेंट फ् बाकी स्कूल के अंदर भी बट देख के दिल को खुशी हुई जस्ट टॉकिंग टू माई टीम अभी आने से पहले गाड़ी के अंदर से मैंने कह रहा है वो लगाओ ना यार क्यों नहीं लगा रहे हमें

आई एम नॉट से है हम लर्न कर रहे हैं हम अभी भी देख रहे हैं कि कहाँ पे कैसे ठीक कर सकते हैं चीजों को. टू मॉड्यूल्स रियलाइजिंग कुछ लोग कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक होंगे और कुछ लोग होंगे जो बाकी अब अपना आपको fine -tune ये, करना ये है। काम कर ही रहा है ना अच्छा काम कर रहा है अब इफ़ ही ये चीज फाइन ट्यून करनी है वेर वेली गो इन कराची और इन पाकिस्तान नो कोई जगह ही नहीं है सो दिस इज़ वॉट वी गोना स्टार्ट ऑफरिंग के यार आप थोड़ा एलिमेंट्री हो तो एलिमेंट्री हो जाओ आप थोड़ा hmm. सा एडवांस हो जो भी आप बाकी सबको छोड़ दो एडवांस वाली क्लास में आ जाओ इन यू जस्ट दैट और अगर आप वो नहीं कर सकते दैन वी स्टार्ट गिविंग यू दीज लिटल ऑप्शन के राना आ रहा है hmm. राना के साथ दिन गुजार लो जैन yeah. आ रहा है जैन के साथ दिन गुजार लो अहद hmm. um, आ रहा है अहद के साथ तीन दिन गुजार लो बिकॉज ये आपको बाकी स्कूल नहीं देंगे थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्कूल एंड लिस्निंग टू ऑल द स्टोरीज एंड जर्नी बड़ा मजा आ रहा था एंड आई होप जो लोग एडवरटाइजिंग को परसू करना चाहते हैं या फिल्म मेकिंग को परसू करना चाहते हैं आज उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग सुनने को मिले होगा कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर हुई होंगी कुछ डायरेक्शन मिल गई होगी और इफ़ यू लुकिंग फॉर प्लेस टू गो इन लर्न फिल्म मेकिंग एंड कराची फिल्म स्कूल इज समथिंग यू कैन चेक आउट एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड लुक फॉर टू हैविंग मोर क्रिएटिव एंड मोर प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यू